में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उर्वरक वितरण में कहीं ना कहीं खामियां हैं। ऐसा मामला सोमवार को समय सामने आया जब सिधौली नगर के सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर स्थित एक केंद्र पर किसान खाद लेने पहुंचे। किसान सेवा केंद्र के सिधौली महमूदाबाद मार्ग स्थित क्रभुको सेंटर पर खाद लेने पहुंचे किसान उस समय आक्रोशित हो गए जब उन्हें लगा कि नियमानुसार खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। आक्रोशित किसानों ने केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। खाद लेने आए किसान मिथिलेश कुमार, राकेश, दिनेश ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। लाइन में भी लगे थे, हमारा आधार जमा करते समय फेंक दिया। हमने कहा आधार क्यों फेंक दिया, कह रहे कि लाइन के बाहर खड़े हैं। हम सुबह 7 बजे आए थे यहाँ पर। खाद मिली या नहीं मिली? खाद नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? अमरिया से। क्या नाम है आपका? राकेश। यहाँ खाद लेने आए थे जी। मिली? हाँ मिल तो गई है, सुबह से आए हैं अब मिली। क्या क्या दिक्कत आ रही थी? यहाँ जो आते हैं सब पहले लाइन में आते, उनको नहीं मिलती, जो जितने नहीं आते उनको लाइन से बाहर वाले सबको दे रहे हैं। अच्छा, दलाल जितने आते सब लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बाड़ी से। क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा, आज ये किसान सुविधा केंद्र पे आप आए थे, खाद लेने मिल गई आपको? गुरु जी यहाँ से 7 बजे लाइन लगी हमारी। अच्छा, और 7 बजे के बाद जो 10 रुपया ज्यादा दे दो कचड़ा का दे देते हैं। अच्छा, और हमका जो 175 रुपए का है 175 रुपया दिया हम। हाँ, वो 275 और 275 वाले के नहीं देते, 285 वाले तुरंत दे देते, और हम लोग बिल्कुल छूतें घूम रहे हैं। तो क्या अनियमितता बढ़ती जा रही है? हाँ, पीछे जाओ कहा। अब बताओ, हमारे तो जितने पैसा है वह तेहत दिया हम। कहाँ से आए हैं? सिरगंज से। कुछ किसानों ने बताया कि वो सुबह से आए हैं तो उनको अभी तक खाद न देकर बाद में आए लोगों को पहले खाद दे दिया है। प्रकरण में केंद्र प्रभारी योगेंद्र सिंह चौहान ने आई इंडिया को बताया। क्या नाम है दादा आपका? योगेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, आप यहाँ के केंद्र प्रभारी हैं? हाँ, केंद्र प्रभारी हैं जी। तो यहाँ पे किसान जो बाहर खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि मतलब बिना लाइन के दिया जा रहा है, ऐसी कोई समस्या आ रही है? नहीं, सुबह पुलिस वालों के सामने पुलिस वाले बुलाए गए, 3 पुलिस वाले हैं, उनके सामने लाइन लगा के लोगों ने अपने आप लाइन लगा ली थी, और फिर लाइन से ही आधार लिए गए, करीब 100 के करीब आधार लिए गए, लेडीज के भी लिए गए। अब उनको एक एक करके क्रम से निकालना है DBT के थ्रू। तो सिस्टम से निकाले जा रहे हैं, ऐसे थोड़े ही कि 1000 आदमी आ जाए तो उसको एकदम से खाद दे दिया जाएगा। तो खाद की कमी तो यहाँ पे है नहीं? खाद की कमी कोई नहीं है, फैक्ट्री है हमारी। कृषि उपनिदेशक ने भी अभी बताया था कि हमारे यहाँ खाद की कमी नहीं है जिले में। नहीं, हमारी तो अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का शोरूम है ये कृषक भारती सेवा केंद्र सिंदौली, तो हम अपनी फैक्ट्री से मंगाते रहते हैं, डेली खाद आती है, और इस समय गोदाम पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैंने होल्ड करा दिया है, कल से फिर शुरू हो जाएगा। खाद की हमारे सेवा केंद्र पे कोई कमी नहीं है, बाकी कमी होगी वहाँ होगी। दर्शकों के प्यार से बनी बात मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।